हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे ऊपर वाले घर में काम चल रहा है और ऐसा लग रहा है छत ही गिर जाएगी आज पूरी पूरा समय ड्रिल करके आती है। मैं बस सोचा आपको दिखाऊं ये व्लॉग में। अभी थोड़ा टुकाई हो रही है, अभी ड्रिलिंग हुई नहीं है। एक सेकेंड रुको, लेट्स सी इफ इट हैपेंस नाउ, इफ इट इट विल हैपन और इट विल नॉट हैपन। आई थिंक ड्रिलिंग का काम खत्म हो गया शायद। या बहुत ऐसे ड्र वही ऐसा लगा छत गिरेगी आज। ठीक है, अभी तो नहीं है। मीट द न्यू जीप ड्राइवर इन टाउन। न्यू नहीं, बहुत पुरानी हूँ, ठीक है। मीट द न्यू जीप ड्राइवर इन टाउन दोस्तों, जो आजकल रेगुलर चला रही है। यही है वो लड़की जो शुरू में जीप को गाली देती थी कि मेरी बलिनो बेस्ट है। और अब देखो जहाँ सिर्फ ब्रेकर पे स्लो कर लेना जो जोश में नहीं। गुफी में छह चला रही है वैसे तो श्रेया। इतना जो साइड में बैठ के लोग ये जो करते रहते हैं ना, हाँ, ऐसे लोगों को उठा के बाहर फेंको गाड़ी। अरे मेरे इंजरी है, मेरा थोड़ा ध्यान दे लो, ठीक है। गोपी यार प्लीज। एक तो बोल रहा हूँ गाड़ी धीरे चलाओ, मेरे इंजरी है। कम ही होता है दोस्तों मैं और श्रेया किसी काम के लिए घर से साथ में निकलते हैं, और आज उस उपलक्ष्य में हम आपको बताना चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट काम क्या है। नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। भाई मैं सच बता रहा हूँ, जब पैर पे चोट होती ना, ऐसा जरा सा डिस्टेंस भी ऐसा लगता है कितना टाइम लग रहा है। अरे श्रेया को मेरे चक्कर में धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। हैं पर अभी थोड़ा बेटर है पहले से मेरा, पर आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा अभी रिकवरी में। साला छींक मारते ना ऐसा लगता है ना, एक्चुअली जो नर्व जुड़ी होती है ना अंदर की, मेरे ख्याल से तो छींक मारती है ऐसा आता है पुचुक करके लग जाता है एकदम। तो गाइस प्लीज़ मुझे कोई याद नहीं करेगा क्योंकि मुझे बहुत छींकें आ रही हैं। फिर प्लीज़ स्टॉप रिमेंबरिंग मी इफ़ यू वॉन्ट माई रिकवरी। लोग याद करे जा रहे हैं और मेरे लगे जा रही है भाई, कोई तरीका है? छींक मारना भी होता ना याद कर रहा है कोई। यार प्लीज़ मुझे याद करना बंद करो यार, बहुत हो गया है। इट्स ओके यार, थोड़ा टाइम अपनी लाइफ में भी स्पेंड करो ना। नीचे देख के चल, नहीं तो दूसरी इंजरी भी हो जाएगी। हाँ भाई, दूसरी इंजरी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ओके हाय गाइस, हेलो एवरीवन व्लॉग ऑडियंस। टुडे आई डिड माय फर्स्ट प्रॉपर शो इन फरीदाबाद एंड व्हाट अ फकिंग ग्रेट रिस्पांस। इनको कोई डर नहीं है, ये सब नहर पार से आ गए हैं पार पार करके। बट थैंक यू सो मच, कुछ लोगों से मिलवाता हूँ आपको। हाँ गाइस, आपके भाई देखो दोस्तों, ये है मैम। इनमें बिल्कुल शांति नहीं है, इनमें हर चुल की बात सबसे करूंगी मैं, हर इंटरेक्शन में। भाई आप, ये इनके पति जो बिल्कुल शराब नहीं पी पाई, इसके मुंह से छीन छीन के पिए इसने शराब। ठीक है चलो, चावल की से पी लो शराब। हैं एक बचा ली थी आपने, कहाँ छुपाई थी? छुपाई थी। ये प्रवेश भाई है इनका। प्रवेश भाई आपका कौन सा स्टार्टअप है? स्पोर्ट्स, क्या नाम है बता दो, कुछ कर सकते हैं हम इसका? आई स्मैश। थोड़ा स्मैश से सुना सुना लग रहा है। और ये दोनों अपने शिष्य आए हैं साथ में। दोनों शिष्य हैं कहाँ से? नहर पार से। कह रहे नाम नहीं बताएंगे आगे, वो मैं भी एडिट कर दूंगा, डालूंगा भी नहीं। और कौन? हाय मैम, हेलो। आपका निकनेम भट्टा है, बहुत अच्छा नाम नहीं लग रहा है ये। आपका असली नाम क्या है? समर्पण क्या? अध्वर्षु। और इन भाई का नाम उतरन। अच्छा शो में अच्छी ऑडियंस आती पीछे। मैम आप मम्मी के साथ आए हैं? हैं, हेलो। आज इन दोनों के रिश्ते खराब होंगे, बीच में तीन बार गांड बोला है। होता है मेरे शो में लोग ले आते हैं माँ बाप को, फिर अच्छा साउथ दिल्ली से। हेलो मैम, नमस्ते। आप भी पेरेंट्स कहते हैं? मदर इन लॉ। और कहाँ है इनका सन? ये देखो नहीं, ये इसकी सास बहू। अरे हटा इसको, हम एंजॉइंग करेंगे बेटी, चल। कहाँ है, कहाँ है आपका? है? है क्या, किस चीज में बिजी है? कौन सा बिजनेस है? शाम के टाइम कौन सा बिजनेस खुल रहा है 8 बजे? मैम क्या कर रहा है आपका लड़का? बट थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज गिव इट अप फॉर योरसेल्फ, यू आर वेरी वंडरफुल। दोस्तों मैंने एक चीज नोटिस करी है कि मैंने ना आजकल, अभी तो खैर फरीदाबाद का शो करके आया, बहुत ही भयंकर मजा आ गया भाई, क्या जनता आई थी। एनीवेज दूसरी चीज, मैंने दूसरी चीज बताने के लिए ऑन करा था ये फोन। यार मैंने ना आजकल नहाने को थोड़ा सीरियसली लेना कम कर दिया, पहले मैं बहुत सीरियसली लेता था, दिन में 2 बार नहा रहे, 3 बार नहा रहे। जैसे कि अगर यहाँ से मैं बैंगलोर जा रहा हूँ तो मैं पहले सुबह उठ करके नहाऊंगा, फिर फ्लाइट लूंगा, फ्लाइट से लैंड करके फिर नहाऊंगा, और फिर शो रात को होगा तो रात के शो के पहले फिर नहाऊंगा, और एक आध बार तो शो के बाद भी। तो मैंने कहा ये क्या करके आ रहा हूँ यार मैं, इतना पानी बर्बाद हो रहा, टाइम पास कर जा रहा हूँ अपना बिना बात के नहाते रहता हूँ। तो मैंने सोच लिया मैं ये 4 को मैंने एक ही कर दिया सीधा, अब कोई सुबह नहाना नहीं कुछ नहीं, सीधा फ्लाइट लेके जाओ, जब थके हो तब नहाओ,
और बाकी फिर शो करके अगले दिन सीधा दिल्ली आने के बाद दोबारा नाना है। एक सिटी में ओनली वन बाथ इन वन डे ऑब्वियसली। जस्ट रैंडम इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम व्लॉग, इट्स नॉट न्यू व्लॉग। आज मैं आया था बैंगलोर शो करने और सर क्या नाम आऊंगा, अतिशय, अतिशय केम टू माई शो यस्टरडे एंड ही टोल्ड मी दैट ही बेसिकली स्टेड इन दिस होटल फॉर द शो ओनली। सच बताओ या जो मेरे शो के टिकट 500-700 की पड़ती है, इस आदमी ने 15,000 का भट्टा बैठाया है। बट थैंक यू सो मच एंड यू वी हैव नेहा विद अस एंड वी हैव देयर किड आल्सो, जिसने अभी पूछा कि मेरे को शो में क्यों नहीं आने दिया, तो मैंने कहा तो बेटा जल्दी बड़ा हो जाएगा नहीं तो। बट आई होप यू लाइक द शो, हाँ बेस्ट शो एवर, ऑसम। इन लोगों ने एक्चुअली मेरा ही देखा और किसी का देखा भी नहीं है, तो दे आर लाइंग ऑल्सो एंड शी डिडंट इवन सी, शी जस्ट सेइंग बेस्ट शो एवर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम यू कम एंड वॉच। हाँ ठीक है, चलो सही है। कुछ कहना चाहते हो आप लोग ऑडियंस को? हाँ, आप जब भी नया शो हो बर कपूर के शो देखो और किसी के मत देखो। नहीं नहीं, बाकी के भी देखो, मेरे दोस्त ही हैं सब। आपको कुछ कहना है नेहा? मैं ऑडियंस को ही कहता हूँ, तुम चाहे मेरे को देखो चाहे मेरी वाइफ को देखो, शो के टिकट तो मेरे ही खरीदोगे। इसको मतलब ही नहीं। हेलो, नहीं नहीं इसको कोई नहीं, विच इज़ गुड ऑल्सो, आई थिंक इज़ गुड। इसका ये बच्चों को मतलब नहीं फालतू चीज़ से। ठीक है चलो गाइस, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय अतिशय। बैक टू दिल्ली नाउ एंड आई हैवन्ट मेड ब्लॉग फ्रॉम लास्ट 3-4 डेज बिकॉज वी वर बिजी इन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली शो वगैरह स्टार्ट हो गए यार बहुत ज़्यादा, इस वजह से नहीं बन पा रहा है, पर आज घर आ गए हैं और अभी रेगुलर ब्लॉग वापस शुरू करेंगे। थोड़ा मैंने श्रेया से बोला, श्रेया हंस रही उधर खड़े होकर, कह रही है 4 दिन में बोलता है रेगुलर ब्लॉग शुरू करेंगे। बट देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट इज हैपनिंग, वी विल शेयर द अपडेट विद यू वेरी सून। क्या कर रहे हो? एक बेड तो समेटा ज्यादा है नहीं और बात करेंगे बड़ी बड़ी है। ये देखना भी दोस्तों श्रेया, इनसे ये भी नहीं फोल्ड होता है, ये भी किसी और के भरोसे। मैंने सुना था कोई इंसान का अपना दिन बनाने का पहला तरीका होना चाहिए, अ पर्सन शुड टेक केयर ऑफ, शुड अपना बेड अपने बनाना चाहिए। लास्ट कौन उठा था? हैं? लास्ट उठा से क्या होता है, फर्स्ट कौन उठा था? तो जो फर्स्ट उठा था, मैं तो उड़ा ही नहीं हुआ था। हा? मैंने उड़ा ही नहीं हुआ था। अच्छा, रात में खींच के पूरा मेरे से ओढ़ लेता है, पता तू कैसे सोया था रात में? ऐसे कैसे डायगोनल, कोई देख के नहीं बोल सकता कि तेरे पैर में चोट लगी थी। चोट लगी मेरे को ना, मेरे से तो इज्जत से बात करा करो। गॉड यू आर सो रूड टू योर वाइफ। अच्छा मुझे तो सिंपैथी मिल गई। इतने बिजी से काम कराता है, एक काम करती दिन भर में कुछ भी नहीं। श्रेया मेरी चोट है यार, मेरे मार गिर रहे हो। वी आर गोना टेल यू समथिंग न्यू वेरी इंपॉर्टेंट। पर हमें वो नहीं हो रही एक्साइटमेंट है ना, मुझे भी नहीं हो रही है एक्चुअली इतनी। अरे ये क्या है ये अलमीरा, ये कैसे बना रखी है यार, सब ये दिखाऊं? There is a reason why there is दरवाजा होता है चीज। There is a reason why there is a पल्ला। ये देखो, ये मेरी शादी का सूट। शादी का सूट चूड़चूर नान बना के रखा हुआ है। नहीं चूड़चूर नान नहीं होता सर करके। समझ गया, एक जोक तो मार दो श्रेया कम से कम। मतलब तो कर दिखा दो, ये कचरा जो तुमने करके रखा है। मेरा तो साफ है। साफ, नाइस, माय फुट। अपना दिखा दो, अब सब खोल के दिखा दे, सब कुछ दिखा दे जो जो बड़ा। ये वॉल अच्छी लगती है मेरे को बस। क्यों मैं? नहीं वॉल वॉल। ये देख रहे हो, ये मैं बता दूं कहां कहां से लाए थे हम। ये टर्की का था, ये जे डी, ये सब जो दिख रहा है ना अलग टाइप का पीछे, सब टर्की वाला है। चलो भाई मेरा फिजियोथेरेपिस्ट आ गया, चलो बंद करो। ओके गाइस थैंक यू, दैट तो टाइम फॉर फिजियोथेरेपी नाउ, दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज व्लॉग। इफ यू लाइक द व्लॉग देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और क्या बता रहा था, बस ये बताया था रेगुलर इतना नहीं हो पा रहा क्योंकि शो वगैरह स्टार्ट हो गए एंड कुछ ऐसा कंटेंट मिल नहीं रहा था बहुत अच्छा। वो रोज रोज चोट लगी है, ट्रैवल करो डजंट मेक सेंस, तो इसीलिए आई स्टॉप इट। सी यू गाइस वेरी सून टुमारो।